कंप्यूटर अरिथमेटिक उद्देश्य। इस अध्याय में उपयोगकर्ता निम्नलिखित बातों को विस्तार से सीखेगा। साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ जोड़ और घटाव, साइन मैग्नीट्यूड नंबर, गुणा एल्गोरिदम, हार्डवेयर एल्गोरिदम, डिविशन एल्गोरिदम, परिचय, अंकगणित निर्देश अंकगणितीय कार्यों को पूरा करते हैं और कंप्यूटर में डेटा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा बुनियादी अंकगणितीय क्रियाएं घटाव, गुणन और विभाजन हैं। एक परिमाण संख्या z को जैसा as a के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां z का संकेत as और z का मैग्नीट्यूड a है। बाई ओर की स्थिति जैसे as साइन बिट है, हस्ताक्षर बिट या तो सकारात्मक इक्वल 0 या नकारात्मक इक्वल 1 है। साइन मैग्नीट्यूड एडिशन साइन मैग्नीट्यूड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 8 शर्तें। तालिका हस्ताक्षर परिमाण के संयोजन या घटाव के लिए शर्तें दिखाती है। उदाहरण, तालिका हस्ताक्षर परिमाण के संयोजन या घटाव के लिए शर्तें दिखाती है। दो मैग्नीट्यूड के जोड़ का उदाहरण, जब परिणाम बड़े मैग्नीट्यूड का संकेत हो। साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ जोड़ और घटाव का फ्लो चार्ट। साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ जोड़ और घटाव के फ्लो चार्ट को दिखाता है। साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ जोड़ और घटाव का सारांश। संकेत एक अन्य और गेट का उपयोग करते हैं, वह अगर आउटपुट 0 हो तो संकेत समान होता है। इसलिए समान हस्ताक्षरित संख्याओं के मैग्नीट्यूड को जोड़ें। यदि राशि एक अति प्रवाह है तो एक को ई में संग्रहित किया जाता है, जहां इक्वल 1 होता है और फ्लिप फ्लॉप AVF से स्थानांतरित कर ओवरफ्लो को जोड़ा जाता है। अन्यथा संकेत विपरीत होते हैं और घटाव शुरू होता है और ए में संग्रहित होता है। घटाव के साथ कोई अति प्रवाह नहीं हो सकता है ताकि AVF साफ हो। यदि इक्वल 1 तो ए ग्रेटर दैन और इक्वल बी। हालांकि यदि ए इक्वल 0 तो ए इक्वल बी और चिन्ह सकारात्मक बना दिया जाता है। यदि इक्वल 0 तो ए लेस दैन बी और ए के लिए हस्ताक्षर पूरित है। साइन मैग्नीट्यूड डेटा हार्डवेयर डिजाइन के साथ जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव के हार्डवेयर डिजाइन को साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ दिखाता है। कलन विधि अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियात्मक कदमों की एक सीमित संख्या को एल्गोरिदम कहा जाता है। डेटा इन प्रकारों में से किसी में हो सकता है। साइन मैग्नीट्यूड प्रतिनिधित्व में फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी डेटा, साइंड मैग्नीट्यूड प्रतिनिधित्व 2s में फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी डेटा, फ्लोटिंग बिंदु बाइनरी डेटा, बाइनरी कोडित दशमलव BCD डेटा, नकारात्मक फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के 3 तरीके हैं, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, साइंड 1s के पूरक और साइंड 2s के पूरक संपादन। साइंड 2s के कॉम्प्लीमेंट का ज्यादातर कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि f लॉटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए ज्यादातर कंप्यूटर मंथिसा के लिए हस्ताक्षरित परिमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब दो हस्ताक्षरित परिमाण के मूल्यों को जोड़ या घटाया जाता है, संभव वैकल्पिक ऋणात्मक शून्य को रोकने के लिए अंतिम स्तंभ की आवश्यकता है। जोड़ या घटाव के लिए एल्गोरिदम उपरोक्त तालिका से प्राप्त किया जा सकता है। हस्ताक्षरित परिमाण प्रपत्र
हम दो नंबर ए और बी के परिमाण को निर्दिष्ट करते हैं। जब हस्ताक्षरित संख्या को घटाया या जोड़ा जाता है तो हम पाते हैं कि संख्या के संकेत और प्रदर्शन करने के लिए किए गए ऑपरेशन के आधार पर वे आठ अलग अलग स्थिति के संयोजन हैं। प्रदर्शन करते समय ऑपरेशन पिछले प्रश्न में दी गई चार मामलों पर विचार करता है। केस वन, जब ए और बी दोनों सकारात्मक हो और जोड़ने की क्रिया करते हैं तो दो संख्याओं को सीधे जोड़ दें, एस के ऑपरेंड हस्ताक्षर का संलग्न करें। केस टू, जब दोनों ऑपरेंड नकारात्मक हो और जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ दें और परिणाम को एस के ऑपरेंड हस्ताक्षर के साथ जोड़ें। केस थ्री, घटाव के संचालन के दौरान जब ए नकारात्मक है और बी सकारात्मक हो तो ए प्लस बी जो सीधे एएस के ऑपरेंड साइन से जुड़े हैं उसे खोजें। केस फोर, घटाव के संचालन के दौरान जब ए सकारात्मक होता है और बी नकारात्मक होता है तो दो ऑपरेंड को सीधे जोड़ें और एएस के ऑपरेंड जब ए और बी के लक्षण समान अलग होते हैं तो दो मैग्नीट्यूड्स जोड़ते हैं और ए के चिन्ह को परिणाम के साथ संलग्न करें। जब ए और बी के लक्षण भिन्न समान होते हैं तो मैग्नीट्यूड्स की तुलना करें और छोटी संख्या को बड़े से घटाएं। परिणाम से सामान्य चिन्ह का चुनाव करें, जैसे ए का अगर ए मोर देन बी है या ए चिन्ह का पूरक अगर ए लेस देन बी हो। तो दो मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, तो बी से ए को घटाएं और परिणाम का संकेत सकारात्मक दें। हार्डवेयर कार्यान्वयन, जोड़ और घटाव की कार्य विधि को जोड़ने की क्रिया करने के लिए एक समानांतर योजक की आवश्यकता होती है। पूरक का उपयोग बी रजिस्टर के पूरक दो और ई फ्लिप फ्लॉप प्रदर्शन के लिए होता है। मोड एम सिग्नल को योजक के इनपुट ले जाने के लिए भी लागू किया जाता है। जब M इक्वल जीरो, बी रजिस्टर का आउटपुट सीधे समानांतर योजक के साथ सीधे स्थानांतरित किया जाता है और इनपुट का कैरी शून्य है। A रजिस्टर का उपयोग कर सामग्री जोड़ ऑपरेशन किया जाता है और इसका परिणाम A रजिस्टर में ही स्थानांतरित किया जाता है। जब M इक्वल वन, तब वन के पूरक B को इनपुट ले वन के साथ समानांतर योजक पर लागू किया जाता है, दैट इज B प्लस वन के पूरक दो का पूरक B। तो परिणाम A प्लस टू का B के पूरक है A माइनस B। साइन मैग्नेटिटी डेटा के साथ जोड़ और घटाव। हार्डवेयर कार्यान्वयन, AS और BS की तुलना एक्सक्लूसिव और फाटक द्वारा की जाती है। अगर गेट का आउटपुट जीरो है तो संकेत समान है, यदि यह एक है तो संकेत भिन्न है। एक जोड़ ऑपरेशन के लिए समान लक्षणों का कहना है कि मैग्नीट्यूड जोड़ा जाना चाहिए। एक घटाने की प्रक्रिया के लिए अलग अलग संकेत है कि मैग्नीट्यूड जोड़ा जाए। दोनों मामलों में परिणाम EA रजिस्टर में संग्रहित किया जाएगा जब कैरी होता है, तो E फ्लिप फ्लॉप वैल्यू को AVF फ्लिप फ्लॉप पर स्थानांतरित किया जाता है। A को B के 2S पूरक से जोड़कर मैग्नीट्यूड से घटाया जाता है। यदि संख्या को घटाया जाता है तो कोई ओवरफ्लो नहीं हो सकता है ताकि AVF को जीरो पर मंजूरी मिल सके। E में A1 इंगित करता है कि A more than equal B और A में संख्या सही परिणाम है। यदि यह संख्या जीरो है तो ऋणात्मक शून्य से बचने के लिए चिन्ह A को सकारात्मक बनाना चाहिए। E में A जीरो इंगित करता है कि A less than B, इसलिए A के पूरक दो को लिया जाता है और परिणाम का चिन्ह A के मूल संकेत के पूरक है। अंतिम परिणाम रजिस्टर ए और उसके साइन एएस में संग्रहित है। एवीएफ अति प्रवाह इंगित करता है
और ई को त्याग दिया जाता है। साइंड दो के पूरक डेटा के साथ जोड़ और घटाव। हस्ताक्षरित मैग्नीट्यूड एल्गोरिदम की तुलना में यह एल्गोरिदम संख्याओं को जोड़ना और घटाना बहुत आसान है अगर नकारात्मक संख्याएं पूरक 2s में हैं। इस 2s पूरक प्रस्तुति में बाएं हिट साइन बिट के लिए सकारात्मक के लिए 0 और नकारात्मक के लिए 1 का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हस्ताक्षर बिट 1 है तो संपूर्ण संख्या 2s के पूरक रूप में दर्शाई जाती है। दो संख्याओं को जोड़ने के लिए चिन्ह बिट के साथ जोड़े जाने वाले संख्या को के दूसरे बिट्स के समान संख्या के समान व्यवहार किया जाता है। साइन बिट स्थिति से बाहर ले जाने की स्थिति को त्याग दिया जाता है। घटाव के लिए न्यूनतम राशि 2s उपभाग के पूरक के साथ जोड़ दी गई है। हार्डवेयर कार्यान्वयन। साइन बिट्स अलग नहीं है इसलिए दो रजिस्टर एसी और बीआर का मूल्य है और बाय बीट बिट्स मूल्यों का संकेत दर्शाते हैं। इन्हें सम्मिलित बिट्स के साथ पूरक और समानांतर योजक में जोड़ या घटाया जाता है। यदि कोई ओवरफ्लो है तो ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप वी को 1 पर सेट किया गया है, आउटपुट ले जाने पर खारिज किया जाता है। एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट। साइंड 2s के पूरक प्रस्तुति में दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने और घटाना के लिए एल्गोरिदम ऊपर दिखाया गया है। इसके अलावा एसी और बीआर की सामग्री साइन बिट सहित को जोड़ा जाता है। ओवरफ्लो बिट वी को 1 पर सेट किया गया है यदि पिछले 2 के ईएक्स ओआर 1 है और इसे 0 से हटा दिया जाता है। 2 के बीआर के पूरक के लिए ऐसे की सामग्री को जोड़कर घटाव किया जाता है। यदि संकेत समान है तो अति प्रवाह की जांच होनी चाहिए। गुणा एल्गोरिदम हार्डवेयर एल्गोरिदम। मैनुअल प्रोसेस जो कि दो फिक्स पॉइंट बाइनरी नंबरों को गुणा करता है नीचे दिया गया है। अगर गुणन करने वाला यंत्र का कम से कम महत्वपूर्ण बिट 1 है तो गुणक को कॉपी किया गया है, शून्य की प्रतिलिपि बनाई गई है, नकल की संख्या से पहले की संख्या से दाएं स्थानांतरित की गई है, आखिर में संख्याएं जोड़ दी जाती है और जो उत्पाद देता है। उत्पाद का संकेत गुणक और गुणन करने वाला यंत्र के संकेतों से निर्धारित होता है। यदि वे एक समान है उत्पाद का संकेत सकारात्मक है, अगर वे अलग अलग है तो नकारात्मक होता है। गुणा एल्गोरिदम संस्करण। गुणा एल्गोरिदम संस्करण 1 के लिए फ्लोचार्ट दिखाता है। गुणन हार्डवेयर 1। गुणक हार्डवेयर 1 के लिए फ्लोचार्ट दिखाता है। गुणा हार्डवेयर। उत्पाद सभी 0 के लिए आरंभ किया गया। नियंत्रण गुणन करने वाला यंत्र और गुणक रजिस्टरों को बदलने और उत्पाद रजिस्टर में नए मानों को कब लिखा जाए इसका फैसला किया गया। अंत में गुणन करने वाला यंत्र उत्पाद रजिस्टर से बाहर चला जाता है और परिणाम उत्पाद में होता है। गुणन प्रक्रिया के दौरान रजिस्टरों में चरण दर चरण संक्रमण परिवर्तन किए जा सकते हैं। गुणक को बाएं स्थान पर रखने के बजाय उत्पाद को दाएं रखें। योजक को गुणन करने वाला यंत्र और गुणक की लंबाई में छोटा किया जा सकता है, हमारे उदाहरण में 8 बिट्स। उत्पाद रजिस्टर के दाहिने आधे जगह में गुणन करने वाला यंत्र को रखें। गुणन करने वाला यंत्र गायब हो जाएगा क्योंकि उत्पाद को सही स्थानांतरित किया गया है। उत्पाद के दाएं आधे तक गुणक जोड़े। गुणा एल्गोरिदम अंतिम संस्करण। गुणा एल्गोरिदम अंतिम संस्करण के लिए फ्लोचार्ट दिखाता है। गुणा हार्डवेयर अंतिम। गुणा हार्डवेयर अंतिम के लिए फ्लोचार्ट दिखाता है।
साइन मैग्नीट्यूड डेटा का गुणा, हार्डवेयर का कार्यान्वयन, मैनुअल प्रक्रिया को थोड़ा बदल और कंप्यूटर के साथ लागू किया जाता है। सबसे पहले रजिस्टर को स्टोर में रखने और एक साथ गुणन करने वाला यंत्र में बिट्स के रूप में कई संख्या को जोड़ने के बजाय केवल दो बाइनरी नंबर जोड़ने के लिए एक योजक प्रदान करना सुविधाजनक है और क्रमिक आशिंग उत्पादों को एक रजिस्टर में जमा करना है। दूसरा गुणक को बाई और स्थानांतरित करने के बजाय आशिंग उत्पाद को दाहिने स्थान पर ले जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप आशिंग उत्पाद छोड़कर और अपेक्षित पदों में गुणक होता है। तीसरा, जब गुणन करने वाला यंत्र का संगत बिट जीरो है तो आशिंग उत्पाद में सभी शून्य जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणक रजिस्टर बी में है और क्यू में गुणक करने वाला यंत्र और बीएस और क्यूएस में उसके लक्षण। एससी में अनुक्रम काउंटर, जिसमें गुणन करने वाला यंत्र में अंकों की संख्या होती है। अनुक्रम काउंटर प्रत्येक आशिंग उत्पाद बनाने के बाद 1 से घटा दिया जाता है। जब यह 0 तक पहुंच जाता है, उत्पाद बन जाता है और प्रक्रिया समाप्त होती है। SHR EAQ राइट शिफ्ट को नामित करते हैं। A के LSB को Q के MSB में स्थानांतरित कर दिया जाता है। E से बिट को A के MSB में स्थानांतरित कर दिया जाता है और 0 को E में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट, शुरू में A और E को मंजूरी दे दी जाती है और सच को गुणन करने वाला यंत्र में बिट्स की संख्या के साथ रखा जाता है और संकेतों की जांच की जाती है। गुणन करने वाला यंत्र के क्यू बिट का परीक्षण किया जाता है। यदि यह 1 है, बी में गुणक और ए में वर्तमान आशिंग उत्पाद को जोड़ा जाता है। यदि यह 0 है तो कुछ भी नहीं किया जाता है। रजिस्टर एक प्रत्येक ऑपरेशन के बाद दाहिने शिफ्ट कर दिया जाता है। यदि अनुसूचित जाति 0 के बराबर नहीं है तो प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है जब तक वह 0 तक न पहुंच जाए। अंतिम उत्पाद AQ पर उपलब्ध है। एल्गोरिदम का उदाहरण, तालिका में साइंड मैग्नीट्यूड एल्गोरिदम के बहुपतत्व का उदाहरण दिखाता है। बूथ एल्गोरिदम, साइंड संख्याओं के शामिल होने पर मुख्य कठिनाई होती है। निष्पक्ष दृष्टिकोण, दोनों परिपथों को सकारात्मक संख्या में परिवर्तित करें, गुणा करें, फिर अलग अलग उत्पाद के संकेत की गणना करें और यदि आवश्यक हो तो कन्वर्ट करें। एक बेहतर दृष्टिकोण बूथ का एल्गोरिदम। बूथ का विचार, यदि गुणन करने वाला यंत्र के स्कैन के दौरान हम एक के अनुक्रम का निरीक्षण करते हैं तो हम इसे पहले से जोड़कर गुणक को घटाकर इसे उत्पाद को जोड़ने के बजाय और बाद में गुणक जोड़ सकते हैं। उदाहरण 0110 और 0011, 6×3, यह 8-2×3 के रूप में भी हो सकता है, या 1000-0010×0011, 8 बिट शब्द का प्रयोग करके। शुरुआत में उत्पाद इक्वल 0000000 गुणक 0110 के प्रत्येक बिट को देखकर दाएं से बाएं 0, अपरिवर्तित उत्पाद 0000000 गुणांक और बाएं पाएं 00110। 1, एक अनुक्रम की शुरुआत उत्पाद से गुणक घटाएं 0000000-00110 इक्वल 1111010 शिफ्ट गुणक और बाएं 0011001
अनुक्रम का मध्य अपरिवर्तित उत्पाद 1 1 1 1 1 0 1 0 शिफ्ट गुणक और बाय 0 0 1 1 0 0 0 0 अनुक्रम का अंत उत्पाद के लिए गुणक जोड़े 1 1 1 1 1 0 1 0 प्लस 0 0 1 1 0 0 0 इक्वल 0 0 0 1 0 0 1 0 इक्वल 18 शिफ्ट गुणक और बाय 0 0 1 1 0 0 0 0 2s के पूरक गुणों का गुणा। बूथ एल्गोरिदम इस तथ्य पर चलती है कि गुणन करने वाला यंत्र में जीरो के तार की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बस स्थानांतरित होती है और गुणन करने वाला यंत्र में एक के स्ट्रिंग बराबर को थोड़ा वजन की 2k से 2m के रूप में 2k प्लस 1 माइनस 2m माना जा सकता है। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या 001110 प्लस 14 में 1 की स्ट्रिंग 23 से 21, k इक्वल 3, m इक्वल 1 है। संख्या 2k प्लस 1 माइनस 2m इक्वल 24 माइनस 21 इक्वल 16 माइनस 2 इक्वल 14 के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, इसलिए गुणक और mx4 जहां m गुणक और 14 गुणक है को mx24 माइनस mx21 के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पाद बाइनरी गुणक m को बाई ओर 4 बार बदलकर प्राप्त किया जा सकता है और घटाया गया m को एक बार बाएं शिफ्ट करेंगे। गुणा के रूप में बूथ एल्गोरिदम गुणन करने वाला यंत्र बिट्स की परीक्षा और आशिंग उत्पाद के स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। स्थानांतरण से पहले आशिंग उत्पाद में गुणक जोड़ा जा सकता है, आशिंग उत्पाद से घटाया जा सकता है या निम्न नियमों के अनुसार अपरिवर्तित छोड़ा जा सकता है। गुणन करने वाला यंत्र में 1s के एक स्ट्रिंग में पहली कम से कम महत्वपूर्ण 1 का सामना करने पर आशिंग उत्पाद के गुणक को घटाया जाता है। गुणन करने वाला यंत्र में 0s के स्ट्रिंग में पहले 0 का सामना करने पर आशिंग उत्पाद में गुणक जोड़ दिया जाता है। जब गुणन करने वाले यंत्र का बिट पिछले गुणन करने वाले यंत्र के बिट के समान होता है तो आशिंग उत्पाद नहीं बदलता है। एल्गोरिदम 2s के पूरक प्रस्तुति में सकारात्मक या नकारात्मक गुणन करने वाला यंत्र के लिए काम करता है, या इसलिए है क्योंकि एक नकारात्मक गुणन करने वाला यंत्र एक के स्ट्रिंग के साथ समाप्त होता है और अंतिम ऑपरेशन उचित वजन का घटाव होगा। उदाहरण के लिए एक गुणन करने वाला यंत्र के बराबर 14 को 2s के पूरक के रूप में 1100010 में दर्शाया गया है और इसे -24 प्लस 22 -21 इक्वल -14 माना जाता है। 2s पूरक गुणों का गुणन हार्डवेयर क्रियान्वयन। यह एल्गोरिदम बाइनरी पूर्णांक के लिए 2 साइन पूरक में एक प्रक्रिया देता है। जब QR रजिस्टर के LSB और QN प्लस 1 फ्लिप फ्लॉप का उपयोग निम्न ऑपरेशन के लिए किया जाता है। बूथ एल्गोरिदम के हार्डवेयर। बूथ एल्गोरिदम का एक संख्यात्मक उदाहरण n इक्वल 5 के लिए नीचे दिखाया गया है। यह -9 इंटू -13 इक्वल प्लस 117 के चरण दर चरण गुणा को दिखाता है। उपरोक्त तालिका में QR रजिस्टर को 10011 पर सेट किया गया है और शून्य के लिए QN प्लस 1 को मंजूरी दी गई है। QC, QR और QN प्लस 1 रजिस्टर के साथ अंक गणितीय शिफ्ट ठीक करें और काउंटर कम करें। जब QR रजिस्टर के LSB और QN प्लस 101 संचालनकर्ता को गुणक मूल्य के साथ अतिरिक्त कार्य निष्पादित करता है। जब QR रजिस्टर के LSB और QN प्लस 1 दोनों 0 और दोनों 1 होते हैं
तो रजिस्टर एसी क्यूआर के साथ सीधे अंक गणितीय बदलाव करते हैं और क्यूएन प्लस वन उपरोक्त कार्यवाही को दोहराने तक एससी जीरो है, जब क्यूआर रजिस्टर के एलएसबी और क्यूएन प्लस वन दोनों जीरो और दोनों वन होते हैं तो रजिस्टर एसी क्यूआर के साथ सीधे अंक गणितीय बदलाव करते हैं और क्यूएन प्लस वन उपरोक्त कार्यवाही को दोहराने तक एससी जीरो है। बूथ का एल्गोरिदम का उपयोग करते समय आपको अपने उत्पाद में दो बार जितने बिट्स की आवश्यकता होगी, जैसा कि आपके मूल दो ऑपरेंड में है। आपके ये ऑपरेंडस आपके गुणक और गुणन करने वाला यंत्र दोनों का बाएं सा बिट एक हस्ताक्षर बिट है और मूल्य के भाग के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तय करें कि कौन सा ऑपरेंड गुणन करने वाला यंत्र होगा और कौन सा गुणक होगा। एक्स बिट्स का इस्तेमाल करके दोनों ऑपरेंडों को दो पूरक परिस्थितियों में परिवर्तित करें। एक्स को संख्यात्मक रूप से बड़े ऑपरेंड के बाइनरी प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी से कम एक बिट होना चाहिए। एक उत्पाद के साथ शुरू करें जिसमें गुणन करने वाला यंत्र के साथ अतिरिक्त x प्रमुख शून्य बिट्स होते हैं। उदाहरण 2 × -5 को गुणा करने का उदाहरण। ऑपरेशन को रिवर्स करें और -5x 2 गुणा करें। संख्यात्मक रूप से बड़े ऑपरेंड 5 को बाइनरी 101 में प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 बिट की आवश्यकता होगी, तो साइन बिट को अनुमति देने के लिए ऑपरेंडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम 4 बिट का उपयोग करें। 5 बिट 2 के पूरक का प्रयोग करें। 5 11011 गुणन करने वाला यंत्र है, 2 00010 गुणक हैं। उदाहरण जारी है। गुणन करने वाला यंत्र है 11011। आरंभिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए गुणन करने वाले यंत्र के लिए 5 अग्रणी शून्य जोड़ें, 00000 11011। प्रत्येक पास के लिए चरण 1। अंकगणित कार्यवाही निर्धारित करने के लिए एलएसबी कम से कम महत्वपूर्ण बिट और पिछले एलएसबी का प्रयोग करें। यदि यह पहला पास है तो पिछले एलएसबी के रूप में 0 का उपयोग करें। संभव अंकगणित क्रिया 00 कोई अंकगणितीय ऑपरेशन नहीं। 01 उत्पाद के बाएं आधे तक गुणक जोड़ें। 10 उत्पाद के बायां आधे से गुणक घटाएं। 11 कोई अंकगणितीय ऑपरेशन नहीं। उदाहरण के साथ प्रत्येक पास के लिए चरण 2। संपूर्ण उत्पाद पर अंकगणितीय सही बदलाव ASR करना। नोट, x बिट ऑपरेंड के लिए बूथ के एल्गोरिदम को x पास की आवश्यकता है। हमारे गुणा -5 × 2 के उदाहरण के साथ जारी रहे। -5 11011 गुणा करने वाली संख्या है, 2 00010 गुणक है। शुरुआती उत्पाद प्राप्त करने के लिए गुणक के लिए 5 अग्रणी शून्य जोड़ें, 00000 11011। आरंभिक उत्पाद और पिछले एलएसबी 00000 11011 0। नोट, चूंकि यह पहला पास है पिछले एलएसबी के लिए 0 का उपयोग करें। पास 1 चरण 1 पिछले 2 बिट 00000 11011 0 की जांच करें। ध्यान दें कि अंतिम 2 बिट 10 हैं। उत्पाद के बायां आधे से गुणक घटाएं। उदाहरण पास वन चरण 1 अंक गणित क्रिया। उत्पाद के बायां आधे में परिणाम रखें 11110 11011
110 पास 1 चरण 2 एएसआर अंक गणितीय बदलाव सही एएसआर से पहले 111 110 110 110 एएसआर के बाद 111 110 111 011 बाई से सबसे बिट एक था इसलिए एक को बाई तरफ स्थानांतरित किया गया था पास एक पूरा हो गया है उदाहरण पास दो वर्तमान उत्पाद और पिछले एलएसबी 111 110 110 11 पास दो चरण एक 111 110 111 01 के अंतिम 2 बिट की जांच करें अंतिम 2 बिट 11 है किसी अंकगणित क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है चरण 2 के लिए आगे बढ़े पास 2 चरण 2 एएसआर अंकगणितीय बदलाव सही एएसआर से पहले 111 110 110 11 एएसआर के बाद 111 110 110 01 बाई से सबसे बड़ा 1 था इसलिए 1 को बाई तरफ स्थानांतरित किया गया था पास 2 पूरा हो गया है उदाहरण पास 3 वर्तमान उत्पाद और पिछले एलएसबी 111 110 101 101 पास 3 चरण 1 अंतिम 2 बिट 111 110 110 01 की जांच करें अंतिम 2 बिट 01 है उत्पाद के बाएं आधे भाग में गुणक जोड़ें पास 3 चरण 1 अंक गणित क्रिया उत्पाद का बाया आधा में परिणाम रखें 00001 101101 पास 3 चरण 2 एएसआर अंक गणितीय बदलाव सही एएसआर से पहले 00001 101101 एएसआर के बाद 00000110110 बाएं से सबसे बिट 0 था इसलिए 0 को बाई तरफ स्थानांतरित कर दिया गया था पास 3 पूरा हो गया है उदाहरण पास 4 वर्तमान उत्पाद और पिछले एलएसबी 00000110110 पास 4 चरण 1 पिछले 2 बिट 00000110110 की जांच करें अंतिम 2 बिट 10 है उत्पाद की बाया आधे से गुणक घटाएं पास 4 चरण 1 अंक गणित क्रिया उत्पाद की बाया आधे में परिणाम रखें 111 110 110 110 पास 4 चरण 2 एएसआर अंक गणितीय बदलाव सही एएसआर से पहले 111 110 110 110 एएसआर के बाद 111 110 110 01 बाएं से सबसे बिट एक था इसलिए एक को बाई तरफ स्थानांतरित किया गया था पास 4 पूरा हो गया है उदाहरण पास 5 वर्तमान उत्पाद और पिछले एलएसबी 111 110 110 01 पास 5 चरण 1 अंतिम 2 बिट 111 110 110 01 की जांच करें अंतिम 2 बिट 11 है किसी अंकगणित क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है चरण 2 के लिए आगे बढ़े पास 5 चरण 2 एएसआर अंक गणितीय बदलाव सही एएसआर से पहले 111 110 111 01 एएसआर के बाद 111 110 110 01
बाएं से सबसे बड़ा एक था, इसलिए एक को बाईं ओर स्थानांतरित किया गया था। पास पांच पूरा हो गया है। आखिरी उत्पाद पांच बिट ऑपरेंड पर पांच पास पूर्ण। पिछले एलएसबी को छोड़कर परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद है 111110110। सही उत्तर की पुष्टि करने के लिए दो के पूरक अंतिम उत्पाद को वापस दशमलव में परिवर्तित करें। अंतिम उत्पाद 111110110। दशमलव मूल्य 10, जो कि सही उत्पाद है -5 × 2। डिविशन एल्गोरिदम। नीचे दिए गए उदाहरण में सचित्र डिविशन प्रक्रिया में बी रजिस्टर में भाजक और लाभांश शामिल है। ए रजिस्टर विभाजक में 5 बिट होते हैं और लाभांश में 10 बिट होते हैं। लाभांश के 5 एमएसबी की तुलना विभाजक से की जाती है, क्योंकि लाभांश विभाज्य से कम है। हम फिर से रजिस्टर का 6वां बिट लेने की कोशिश करते हैं और विभाजक के साथ तुलना करते हैं। 6 बिट संख्या विभाजक से एक अंक के बराबर है, सम्मिलित करें रजिस्टर क्यू में, तो विभाजक को एक बिट की दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है और लाभांश को घटा देता है। घटाव के बाद हमें जो अंतर मिलता है उसे आंशिक शेष कहा जाता है। प्रक्रिया विभाजक के साथ आंशिक शेष की तुलना करना जारी रखती है। यदि आंशिक शेष शेष अंक से कम है तो सम्मिलित रजिस्टर में, अन्यथा एक स्थानफल में रजिस्टर संख्या दर्ज करें। डिविशन एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट। डिविशन हार्डवेयर। डिविशन हार्डवेयर के फ्लो चार्ट। डिविशन एल्गोरिदम अंतिम। डिविशन एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट अंतिम। साइंड मैग्नीट्यूड डेटा के लिए हार्डवेयर का कार्यान्वयन 3 रजिस्टरों और एक फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है। रजिस्टर QA ने लाभांश रखा है और रजिस्टर B ने भाजक। भाजक के बिट्स की संख्या में SC को सेट करें। एक रजिस्टर को बाएं शिफ्ट कर घटाव की प्रक्रिया करता है, जो संचयकर्ता रजिस्टर के लिए P+1 के साथ 2 के अतिरिक्त पूरक के रूप में होता है। E फ्लिप फ्लॉप की जांच कर 0 या 1 पर सेट करें। जब E 1 पर सेट होता है तो QN 1 होता है और उपरोक्त ऑपरेशन को दोहराया जाता है। जब E 0 है तो QN को 0 के रूप में सेट करें और A रजिस्टर के आंशिक शेष को B रजिस्टर के मूल्य से जोड़ें। ऊपर के 2 मामलों में E फ्लिप फ्लॉप के घटाव का जांच करने के बाद जब SC वैल्यू 0 पर पहुंच जाती है तो प्रक्रिया रोक दे, अन्यथा उपरोक्त चरण को दोहराए। ओवरफ्लो को विभाजित करें। विभाजन ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप एक अति प्रवाह के साथ एक भागफल हो सकता है। इसका कारण यह है कि भागफल रजिस्टर क्यू और रिमाइंडर रजिस्टर परिमित दैट इज 5 बिट प्रकृति में है। भागफल में 6 बिट होते हैं, क्योंकि लाभांश की पहली तुलना विभाजक से अधिक है। इसलिए अति प्रवाह स्थिति को संभालने के लिए फ्लिप फ्लॉप का उपयोग कर अति प्रवाह बिट को पकड़े। जब लाभांश विभाजक का 2 गुना होता है तो अति प्रवाह की स्थिति इस प्रकार हो सकती है। विभाजित अति प्रवाह स्थिति तब होती है जब एमएसबी का लाभांश विभाजक के बराबर या उससे बड़ा होता है। एक और समस्या यह है कि शून्य से विभाजन से बचा जाना चाहिए। विभाजित अति प्रवाह फ्लिप फ्लॉप DVF नामक विशेष फ्लॉप का उपयोग करके अति प्रवाह स्थिति का पता लगाया जाता है। अति प्रवाह की उपस्थिति
कुछ कंप्यूटर में प्रोग्रामर यह जांचने के लिए जिम्मेदार होता है कि प्रत्येक डिवीजन के बाद DVF सेट किया गया है या नहीं। यदि DVF एक शाखा में उप प्रकाशी के लिए निर्धारित है तो सुधारात्मक उपायों को ले जाता है, जैसे कि अतिप्रवाह से बचने के लिए डेटा को पुनः आकार देना। कुछ पुराने सिस्टम में अतिप्रवाह की घटना ऑपरेशन के निष्पादन को रोकेगा। इस शर्त को विभाजित स्टॉप के रूप में भी जाना जाता है। कुछ सिस्टम में इंटरप्ट अनुरोध प्रदान करने के लिए DVF सेट होता है। कार्यक्रम को निकालने के लिए सबसे आम सुधारात्मक उपाय यह है कि त्रुटि संदेश को टाइप करके प्रोग्राम पूरा नहीं किया जाने का कारण लिखें। विभाजित अतिप्रवाह से बचने का सबसे अच्छा तरीका फ्लोटिंग बिंदु डेटा का उपयोग करना है। हार्डवेयर एल्गोरिदम। हार्डवेयर विभाजन एल्गोरिदम नीचे दिए गए प्रवाह संचित्र में दिखाया गया है। ए और क्यू में लाभांश और बी में विभाजक है। भागफल का हिस्सा बनने के लिए परिणाम का संकेत QS में स्थानांतरित किया जाता है। भाग में बिट्स की संख्या को निर्दिष्ट करने के लिए SE में एक स्थिर अनुक्रम काउंटर सेट किया गया है। कंप्यूटर अरिथमेटिक निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने कंप्यूटर अंकगणित के निम्नलिखित पहलुओं को कवर किया है। साइन मैग्नीट्यूड डेटा के साथ जोड़ और घटाव, साइन मैग्नीट्यूड नंबर, गुणा एल्गोरिदम हार्डवेयर एल्गोरिदम और बूथ एल्गोरिदम, डिविजन एल्गोरिदम।